हेलो, गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ नोट मेकिंग या BCR, जो आपको कहना चाहे आप कह सकते हो। BCR ये एक ऐसा सब्जेक्ट हमें आया है जिससे बहुत सारी नई नई बातें हमें पता चल रही है, या शायद कुछ पुरानी बातें नए सिरे से पता चल रही हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट हम सब सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ। आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह हमारी कुछ पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें। एक सत्य कहा जाता है हमेशा, चेंज इज इनविटेबल बट सक्सेस इज ऑप्शनल। इसका मतलब क्या है? बदल, चेंज इज इनविटेबल, ये सृष्टि का नियम है। शायद यही एक ही ऐसी चीज है जो सदा कायम है। क्या? बदलाव। दुनिया में बदलाव ये एक ही चीज है कि जो पिछले न जाने कई सालों से हो रही है इस दुनिया में। लेकिन सक्सेस ऑप्शनल होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही हमें मिलता है ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आप पर या खुद के ऊपर डिपेंड होता है। हम किस तरीके से काम करते हैं उसके ऊपर हमारा सक्सेस डिपेंड होता है। ओके, इज एवरीथिंग गोइंग ऑन गुड और नॉट? आई एम बिट डाउटफुल, जस्ट अ मिनट। मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इश्यू है, बफरिंग हो रहा है और नेटवर्क की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। यस, एज आई कीप माय सेलफोन विथ मी अलोंग साइड, आई एम वॉचिंग इट। यस, ओके, नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड। सो मैं बात कर रहा था, चेंज इज इनविटेबल, सक्सेस इज ऑप्शनल। चेंज यानी कि बदलाव एकलौती ऐसी चीज है इस दुनिया में जो कंटिन्यूअस है, उसमें कभी बदलाव नहीं होता। लेकिन सक्सेस जो होता है वो ऑप्शनल होता है, वो अपने आप पर हम किस तरीके से काम करते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। इसलिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों नहीं होते? इसके पीछे बहुत रीजंस है, लेकिन ये चीज हमेशा हमने ध्यान में रखनी है। बदलाव सृष्टि का नियम है, जैसे हमने खुद को बदला है पिछले 6 महीनों में, फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च टू मंथ ऑफ सितंबर। आज मेरे ख्याल से 15 सितंबर है, ठीक 18 मार्च को लॉकडाउन लगा था और उसको अभी 3-4 दिन में 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। आपने अगर खुद को एक रिवाइंड बटन से पीछे जाके देखा तो आपको पता चलेगा व्हाट हैड हैपन, क्या क्या हुआ है हमारे साथ और किस तरीके से हमने हर एक आने वाली हमारे सामने जो स्थिति है, कंडीशन है, उसके ऊपर कैसे ओवरकम करते हुए हम यहां तक आए हैं। शुरुआत में हमें किसी को कुछ पता नहीं था, धीरे धीरे पता चलने लगा।
फिर बात होने लगी, हम लॉकडाउन में चले गए, एकदम से सब मिलके घर में रहने लगे, हमें पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है हमारे साथ इस जिंदगी में। फिर हम उसे भी यूज्ड टू हो गए, उससे बाहर थोड़े से आए, फिर से दूसरा लॉकडाउन हुआ, बहुत सारी चीजें हमने की, बहुत सारे लोगों से बात की जो कि हम बहुत सालों से कर नहीं रहे थे, ऐसे भी लोगों से बात की, और धीरे धीरे आगे जाने लगे और अगले 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 बदलाव के साथ हम यहां तक आए हैं। पूरी दुनिया एक अलग बदलाव के साथ इस समय काम कर रही है। ये सारे बदलाव समझ में आने के लिए हमें सच में रिवाइंड का बटन अगर दिया होता भगवान ने, तो शायद हम ये समझ पाते किस तरीके से हमने ये बदलाव एक्सेप्ट किया है। तो ये हमेशा ध्यान में रखो, चेंज इज इनविटेबल, सक्सेस इज ऑप्शनल। इसी के साथ आगे जाएंगे, और कल हमने बात की थी इंटेंडेशन के बारे में, किस तरीके से होने चाहिए। द एक्ट ऑफ प्रॉपर अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग ऑफ रिटन मैटर इज कॉल्ड इंटेंडेशन। हम किस तरीके से लिखते हैं, क्या होता है, ये सब इसमें आता है। प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, दो स्पेस होना चाहिए, ठीक तरीके से रीडिंग करते समय आसानी होनी चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है नीड, इसकी जरूरत क्या है, ऑफर्स अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, मेक्स इट रीडेबल एंड कॉम्प्रिहेंसेबल, और इंक्रीज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द कंटेंट। इससे क्या होता है, कंटेंट की ऑब्जेक्टिविटी बढ़ती है। ओके, सो ये बहुत सारी चीजें होती है इस प्रॉपर इंटेंडेशन से। क्लियर, आगे जाएंगे। एब्रीवेशंस एंड एक्रोनम्स एंड सिंबल्स, इसके बारे में भी हमने कल बात की थी कि क्या इसकी जरूरत क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना कैसे होता है, जैसे हम सब इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली ये सब, इसकी क्या जरूरत है। जैसे नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक एक्रोनम है, तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसकी क्या जरूरत है, ये भी हमने कल देखा था। आज इसका ही आगे का पार्ट हम देखेंगे, वेज ऑफ एब्रीवेट वर्ड्स, किस तरीके से वर्ड्स हम एब्रीवेट करते हैं। जैसे कभी कभी हम बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इस्तेमाल करते हैं, शुरुआत सिर्फ, जैसे इंफॉर्मेशन का सिर्फ इन्फो, मैक्सिमम का मैक्स, स्टैटिस्टिक्स का स्टैट, कॉर्पोरेशन का कॉर्प, पॉपुलर का पॉप, इंटरेस्ट का इंट, प्रोमोशन का प्रोमो। ओके, फिर बिगिनिंग्स ऑफ द वर्ड विथ फाइनल लेटर्स, शुरुआत के वर्ड्स और एंड के लेटर्स, मतलब गवर्नमेंट, इसमें क्या आता है, GOVT, GOV और T। इंटर, इसमें क्या है, INTR और आखिरी का L, डिपेट यानी के डिपार्टमेंट, DEP और T। प्रोडक्शन, इंटरनेशनल, इस तरीके से ये वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। ओमिट वॉवेल्स, वॉवेल्स को निकाल देना, ओमिट मतलब स्किप, स्किप द वॉवेल्स, वॉवेल्स को निकाल देना, इसका मतलब ओमिट वॉवेल्स। मतलब एब्रीवेशन कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय लिविंग आउट द वॉवेल्स, इट इज स्टिल पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड। इसका मतलब प्रॉब्लम, इसमें क्या नहीं है, ओ नहीं है, स्कूल, इसमें क्या नहीं है, ओ नहीं है, बैकग्राउंड, इसमें क्या नहीं है, ओ नहीं है, ईयर्स, ए नहीं है, फ्लेवर क्या नहीं है, ओ नहीं है, बिजनेस क्या नहीं है, आई नहीं है, आई सॉरी, इसमें आई नहीं है। ओके, सो वॉवेल्स को निकाल दिया तो भी ये हो जाता है ना। अभी जैसे फाउंडेशन है, इसका एब्रीवेशन क्या होगा, समझो हमें निकालना है, ये भी नहीं लिखेंगे, समझो हमने इसको ऐसे इस तरीके से लिखा, FNDTN, फाउंडेशन, समझ में आ जाएगा हमें। ओके, सो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यूज द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, पहला और आखिरी वर्ड इस्तेमाल करना है, वर्ड यानी कि लेटर इस्तेमाल करना है। जैसे माउंट, इसमें क्या किया, M और T, क्वाट QT, गर्ल GL, मिस्टर MR, मिसेस MRS, ये करते हैं ना हम हमेशा, मिस्ट्रेस का या ये मिस का, ये मिस्ट्रेस का, ये मिस का, ये मिस्टर का, तो इस तरीके से पहला और आखिरी लेटर इस्तेमाल करके भी ये हो सकता है। नेक्स्ट, शॉर्टन द सफिक्स एट द एंड ऑफ द वर्ड,
वर्ड के एंड में जो आता है उसे क्या कहते हैं हम? सफिक्स. और पहले आता है उसे क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं, है ना. मतलब इम्पॉसिबल, इसमें इन क्या है? प्रीफिक्स है. और हैप्पीनेस, इसमें नेस क्या है? सफिक्स है. या फिर प्रोडक्शन, इसमें क्या है? TION, सफिक्स है. तो इस समय क्या करते हैं, ये देखो क्या किया हमने. कंसिस्टिंग, प्रोग्रेस, प्रोसेसिंग, इंप्लीमेंटेशन, डिक्रीजिंग, CKG यानी कि चेकिंग. ओके, तो इस तरीके से शॉर्टन द सफिक्स एट द एंड ऑफ द वर्ड. कम करने हैं, हमें पढ़ने के लिए आसान हो उतने ही लेटर्स लिखने हैं, बाकी के कट कर देने हैं, जरूरत नहीं है इनकी. नेक्स्ट, अभी ये सारे पांच ABCDE पांच तरीके से एब्रिवेशन हमने सीखे. पहला, यूज द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. दूसरा, यूज द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड विद द फाइनल लेटर. तीसरा, ओमिट वॉवेल्स, वॉवेल्स को निकाल देना. चौथा, यूज द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड. और आखिरी, शॉर्टन द सफिक्स एट द एंड ऑफ द वर्ड. जो सफिक्स है उसे छोटा करके लिखना. इस पांच तरीके से हम एब्रीवेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं या बना सकते हैं एब्रीवेशंस. ओके, सो अभी यहां पे एक लिस्ट है आपके सामने जो मैं अगली स्लाइड पे लाऊंगा, वो ठीक तरीके से आप देख लो और समझ लो क्या है. कॉमन सिंबॉल्स एंड एक्रोनम्स क्या क्या है? जैसे ये है, सॉरी, ये एंड है. ओके, ये बिकॉज का वर्ड है. ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इज इक्वल टू, एज अबाउ, इस तरीके से. तो यहां पे ये दिए हैं, एंड, इज, आर, अबाउट, मोर देन, लेस देन, नंबर, टाइम्स, लीड्स टू, चेंज, और, देयर फॉर और बिकॉज, इंक्रीज, डिक्रीज. जैसे ऊपर का ये हो गया इंक्रीज, नीचे का निकाल दिया तो डिक्रीज, ऐसे बनाया तो वाइस वर्सा, है ना. ये जो सिंबल है ये बहुत इंटरेस्टिंग सिंबल है. ये जो सिंबल्स है ना दोनों, ये जो सिंबल है ये फीमेल के लिए है, ये जो सिंबल है ये मेल के लिए है. ये जनरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में इस्तेमाल होने वाले हैं जो यहां पे दिए गए हैं. ईयर्स, एट द रेट, जो हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं. With, without, within, regarding, because, something, someone, government, important, each, though, through, problems, minimum, maximum, between, background, versus, quantity, have, not well. Okay? Example, that is. हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ईजी यानी कि एग्जाम्पल, आईई यानी इसके जैसा. हम ये बहुत बार हमें पता नहीं चलता आईई मतलब क्या और ईजी मतलब क्या. सीपी कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, बिफोर, आफ्टर. पी मतलब पास्ट, क्यू मतलब एवरी, ASAP एज सुन एज पॉसिबल, स्टैट इमीडिएटली, एफ फ्रीक्वेंटली. तो ये सारे वर्ड्स इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं. दीज आर द कॉमन एब्रीवेशन सिंबॉल्स एंड एक्रोनम्स. ओके, नेक्स्ट. और एक ऐसा ही ये है जिसमें फुल फॉर्म्स दिए गए हैं. जैसे पहला वर्ड है रैम, बचपन में हम सीखते हैं जब स्कूल में जाते हैं तब. रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहां पे लिखा है आर, रेंज फ्रॉम कम्युनिकेटर टू इंटेंडेंट रिसीवर. ये बहुत सारे हैं, जैसे TCC, टैक्टिकल कमांड कॉम्प्लेक्स, ये मैंने जनरली आपको दिए हैं. TX ट्रांसमीटर, वैन
वाइड एरिया नेटवर्क वैन होता है ना, लैन वैन, तो ये इसका वैन है। WWMCCS वर्ल्ड वाइड मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं वर्ड बहुत जगहों पे, हमें अगर ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने कल लिया था ICAI, क्या फुल फॉर्म है इसका, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI है कि नहीं, ये जिसके अंडर हम सब काम करते हैं या सीखते हैं। ओके नेक्स्ट, एब्रीवेशंस ऑफ ग्रामर। अब ये ग्रामर के कुछ एब्रीवेशंस हैं, मतलब ABBR एब्रीवेशन का स्मॉल है, एडजेक्टिव ADJ एडवर्ब, ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन, प्लूरल सिंगुलर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जनरल एक्रोनम्स। बहुत समय हमें क्या लगता है, ATM का फुल फॉर्म हमें क्या लगता था, एनी टाइम मशीन, है ना, लेकिन वो है क्या ऐसा, नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऐसा उसका फुल फॉर्म है। BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, DNA डिओक्सिरिबोनिक एसिड, HR ह्यूमन रिसोर्स, PC पर्सनल कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, VVIP का क्या हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जैसे ICU का क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट, अति दक्षता विभाग, है ना। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, अगर मैंने WWE लिखा तो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, F लिखा तो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, या WWF लिखा तो उसका और भी एक है, वर्ल्ड वाइड फोरम, वर्ल्ड वाइल्ड फोरम, जिसमें सफेद भालू, हाँ सफेद भालुओं को बचाया जाता है, पैंडाज, उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है WWF। ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ASEAN जिसके हम मेंबर हैं हिंदुस्तान। FIFA फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, यहां पे डी कैसे लिखते हैं देखो, दी फुटबॉल, तो ये ऐसे लिखते हैं। NASA लिखा है हमने, UNICEF यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, UNESCO यूनाइटेड नेशन कल्चरल एजुकेशन एंड और एक है ऑर्गेनाइजेशन ऐसा उसका है UNESCO का। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, BSc MA MBA MD PhD MBA सॉरी MBBS बड़ा है या MD बड़ा है, MBBS सबको मास्टर्स डिग्री लगती है, एक्चुअली वो बैचलर्स डिग्री है MBBS, क्योंकि लिखते वो उल्टे तरीके से हैं, लेकिन वो एक बैचलर डिग्री है, समझ में आया। जैसे PhD फिलोसॉफी डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी ऐसे भी कहा जाता है उसे, हाँ PhD का। MPhil का क्या होता है, मास्टर इन फिलोसॉफी, MPhil, और उसके आगे PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, ये सारी डिग्रियां हैं, है ना, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जनरल इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स है, ये ग्रामर वाले वर्ड्स है, समझ में आया। हमने क्या किया था, अरे ये क्यों नहीं हो रहा भाई, जाने दो, नहीं होना है उसे। तो अभी सजेस्टेड टिप्स है, मेरे ख्याल से ये तीनों चीजें आप फिर से एक बार देख लो, ये कॉमन सिंबल्स है, ये कॉमन वर्ड्स है, जिसमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल एंड, ये सारे वर्ड है। Therefore, increase, grow, ऊपर किया, नीचे किया, equal किया, इसको ऐसे किया, इस तरीके से भी हो सकता है। उसके बाद कुछ words दिए हैं, उसके बाद common abbreviations and acronyms दिए हैं, और अब मैं बताने वाला हूं suggested tips while using abbreviations or acronyms or symbol। एब्रीवेशंस कैसे करने हैं, एक्रोनम्स कैसे करने हैं, ये सब हमने देखा है, लेकिन अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है
ये हमें सीखना है। जैसे जुडिशियल जुडिशियल एंड कंट्रोल यूज ऑफ एब्रीवेशन शुड बी मेड, कंट्रोल एब्रीवेशन चाहिए, पूरा का पूरा एब्रीवेशन में लिखा तो समझ में नहीं आएगा। व्हाइल यूजिंग सेल्फ मेड एब्रीवेशन एडर टू पैटर्न सो दैट व्हाइल गोइंग थ्रू द नोट्स वन कैन रिकॉल व्हाट एब्रीवेशन मीन, उसमें एक खुद का पैटर्न बनाओ। नहीं, कभी कभी हम खुद भी खुद के एब्रीवेशन बनाते हैं। जैसे मुझे बहुत आदत है, मैं बहुत आलसी आदमी हूं, मुझे बड़े बड़े सेंटेंस लिखने में बहुत बोर होता है, तो मैं हमेशा वो शॉर्ट हैंड में लिखता हूं, बहुत बार कट करके यहां से यहां तक ऐसे लिखता हूं। लेकिन अपने आप को, खुद को, खुद का पैटर्न समझना चाहिए कि हमने क्या लिखा है, नहीं तो होता क्या है, हमें समझ में ही नहीं आता हमने क्या लिखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल हेडिंग शुड नॉट बी एब्रीवेटेड, सम हेडिंग्स मे और मे नॉट हैव एब्रीवेशंस। और एक, जब हम हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग कभी भी एब्रीवेशन में मत लिखो। मतलब जैसे आपको समझो कम्युनिकेशन, ये हेडिंग देना है तो इसे एब्रीवेट मत करो, इसे पूरा का पूरा ही लिखो। यह सब हेडिंग लिखना है आपको, सब हेडिंग कभी भी एब्रीवेशन में मत लिखो। और एक बात, जब आप मेल लिखते हो, ईमेल्स, ईमेल्स में कभी भी एब्रीवेशन का इस्तेमाल मत करो। इट शुड बी प्रॉपर वर्ड्स, विथ प्रॉपर वर्ड्स। ये एक एटिकेट है, जब हमें ईमेल के बारे में मैं सिखाऊंगा आपको, उस समय बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान में रखना, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स में कभी भी एब्रीवेशन का इस्तेमाल मत करो। आगे, अवॉइड फॉर्मिंग सेंटेंस विथ ओनली एब्रीवेशन एंड सिम्बॉल्स, इट वुड नॉट बी कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर अदर्स। सेंटेंस पूरे एब्रीवेशन में मत लिखो, एक हाथ दो वर्ड आ गए दैट इज ओके, बट पूरा सेंटेंस ही आपने एब्रीवेशन में लिख दिया तो ये गलत है। इंक्लूड अ की लिस्टिंग एब्रीवेशन सिम्बॉल्स एंड एक्रोनिम्स यूज, उसके की लिस्ट बनाओ कि क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं, और हो सके तो वो एंड में देने की आप कोशिश करो एब्रीवेशन की, क्योंकि अगर आपको किसी को देना है वो पढ़ने के लिए तो उसको पता तो चलना चाहिए ये है क्या, किसके लिए ये इस्तेमाल हुआ है, या फिर ये क्या है, या फिर ये क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये पता तो होना चाहिए हमें। तो इसके लिए की फॉर्म एंड में देना बहुत जरूरी है और उसकी एक लिस्ट बनाना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, यूज फुल टिप, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू यूज स्टैंडर्ड एक्रोनम्स वाइल मेकिंग नोट्स, हाउएवर देयर कैन बी मोर फ्लेक्सिबिलिटी वाइल यूजिंग एब्रीवेशन, द लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन यूज शुड बी लिस्टेड डाउन की फॉर रेफरेंस। इसके लिए एक की फॉर रेफरेंस, ये भी आप नोट मेकिंग के नीचे डाल सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया, ये सारा नोट मेकिंग बना दिया आपने, लेकिन इसमें जो सारे एब्रीवेशन है वो क्या है, वो नोट मेकिंग के नीचे इस हेडिंग के साथ आप डाल सकते हो की ऑफ रेफरेंसेस। इसका मतलब जो कुछ भी एब्रीवेशन आपने इस्तेमाल किए हैं वो वहां पे जा सकते हैं। ओके, क्लियर, आगे जाएंगे। समराइजिंग द नोट्स, ये सारा हो गया। अभी नोट्स को समराइज कैसे करते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। अ समरी इज अ शॉर्टन और कंडेंस्ड वर्जन ऑफ अ लॉन्गर एसे और रीडिंग। समरी मतलब क्या होता है, बड़े बड़े एसे, बड़े बड़े जो बहुत बुक्स होते हैं उसको छोटे समराइजेशन में करना, इसका मतलब उसका एक क्रक्स निकालना और वो लिखना, उसे हम समरी कहते हैं। इट इज नॉट अ ड्राफ्ट, रीड्राफ्ट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, ये ओरिजिनल टेक्स्ट का रीड्राफ्ट नहीं होना चाहिए। ओके, एंड शुड नॉट बी लॉन्ग, ये बड़ा भी नहीं होना चाहिए। मतलब समझो मुझे इसकी समरी लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ लाइन से, इसका 1/3 कितना होगा, मेरी समरी सिर्फ इतनी चाहिए। ओके, मेरी इसकी समरी कितनी चाहिए, इतनी ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड समरी, द 1/3 फॉर्मेट ऑफ अ ओरिजिनल टेक्स्ट। इट्स अ सिंपल डेफिनेशन, या और एक डेफिनेशन दी है, लेकिन आप याद रखना, योर पर्पज वाइल राइटिंग द समरी इज टू गिव अ बेसिक आइडिया ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, व्हाट इज अबाउट एंड व्हाट द ऑथर वॉन्टेड टू कम्युनिकेट।
उसके बारे में आइडिया मिलनी चाहिए उस समरी से, ओरिजिनल टेक्स्ट के बारे में। पूरा टेक्स्ट वैसे के वैसा लिखना, इसे समरी नहीं कहते। अ समरी शुड नॉट हैव अ वर्ड लिमिट एक्सीडिंग 25% ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, ऐसा मैंने अभी कहा। रिमेंबर दैट अ समरी मस्ट इंक्लूड ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द नोट्स, एब्रीवेशंस मस्ट नॉट बी यूज्ड व्हाइल समराइजिंग, समरी में एब्रीवेशंस नहीं इस्तेमाल करने। टू राइट अ समरी यू मस्ट यूज योर ओन वर्ड्स टू एक्सप्रेस ब्रीफली द मेन आइडिया एंड रिलेवेंट डिटेल्स। और एक बार, समरी में कभी कभी या बहुत बार हमें खुद की लैंग्वेज इस्तेमाल करना एक्सपेक्ट होता है, नॉट कॉपी पेस्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, समरी लिखते समय पैराग्राफ के दो तीन लाइंस उठाते हैं और उसे नीचे रख देते, कॉपी पेस्ट, इस तरीके से वो काम करते। इसे समरी नहीं कहते। समरी में आपका भी कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जैसा नोट टेकिंग और नोट मेकिंग के समय मैंने बताया। नोट टेकिंग एक पैसिव थिंग है, कोई बता रहा है हम लिख रहे हैं। नोट मेकिंग इज एन एक्टिव थिंग, उसी तरीके से समराइजेशन इज एन एक्टिव थिंग। उसमें आपका कुछ होना चाहिए तभी आप उसमें सक्सेसफुल होते हो, समझ में आया? या उसे प्रॉपर समरी कहा जाता है, अदरवाइज दैट इज नॉट अ प्रॉपर समरी, समझ लो। नेक्स्ट, गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल समराइजिंग द नोट्स। नोट्स को समराइज करने के लिए ये कुछ बातें यहां पे दी हैं, उसे याद रखो। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन नोट्स, जो इंफॉर्मेशन नोट्स में है उसी को इस्तेमाल करो। डू नॉट एड और सब्सट्रैक्ट एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दिए हुए सब्सट्रैक्ट में कुछ नया एड मत करो। जो कुछ भी नोट्स है, अगर आप वैसे ही उसे लिखने वाले हो तो उसमें आपके मन का कुछ ऐड मत करो। अगर पूरा उसका ब्यौरा आप लिखने वाले हो, यू कैन ऐड योर ओन वर्ड्स। डोंट चेंज द वर्ड्स, डू नॉट मेक एजम्पशंस, मुझे लगा, यू आर नॉट अलाउड टू थिंक लाइक दैट। आपको कुछ नहीं लगना चाहिए समराइज करते समय, जो दिया है वही लगना चाहिए। यू शॉर्ट एंड क्रिस्प सेंटेंस एज अपोज टू डिटेल्ड एंड लॉन्ग वंस ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट। छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखना बहुत जरूरी है। अवॉइड साउंड रिपीटेटिव, यूज न्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस द सेम इंफॉर्मेशन। कुछ नए वर्ड्स का इस्तेमाल करो वही इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए। ट्राई टू कवर मैक्सिमम पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कैसे कवर हो सकते हैं इसके बारे में सोचो। रीच अ कंक्लूजन इफ रिक्वायर्ड, और अगर आपको लगा तो आप कंक्लूजन पे जाओ, इफ रिक्वायर्ड, इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड डोंट डू इट। क्लियर? आप मन से कुछ मत करो, जो जैसे चल रहा है वैसे ही लिखो, उसमें कुछ एजम्पशंस मत करो। सॉरी, बंद हो गया था मेरा कैमरा, पता नहीं मुझे क्या हुआ था। ओके, तो कंक्लूजन पे आप मत जाओ, अगर जरूरी है तो ही आपका कंक्लूजन आना उसमें हो सकता है। ये एक और चीज है एजम्पशंस करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बार ना हम कुछ कर जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है शायद यार ये इसे इस तरीके से होना चाहिए था। जैसे फिल्म देखते हैं जब हम, तो फिल्म देखते समय अरे यार यहाँ पे ये डायलॉग होना चाहिए, यहां से ये ऐसा एंगल कर होता ना, वो ये दिखाते ना तो अच्छा होता, ऐसे बहुत बार होता है। और दूसरा एजम्पशंस करते हैं, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है इसलिए मैंने किया। नो, यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी एजम्पशंस, क्योंकि वहां पे जो दिया है वही हमें लिखना है। हम जब ड्रामा करते हैं तो ये जो है ना, ये सेकंड, तो हमें हमेशा कहा जाता है, जैसे फिल्म जो है उसे डायरेक्टर का काम माना जाता है। हु इज द कैप्टन ऑफ द शिप इन द फिल्म? डायरेक्टर।
बट इन द ड्रामा हु इज द कैप्टन ऑफ द शिप? द राइटर. ड्रामा में राइटर का बहुत महत्व है, लेखक का. ही हैज मोर इंपॉर्टेंस देन एनी अदर पर्सन, बिकॉज जब तक वो कुछ अच्छा लिखता नहीं है तब तक हम उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते. डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए लेखक का बहुत महत्व होता है. और ऐसा माना जाता है लेखक के अगर जो शब्द है वो हमें अगर बदलने हैं, या हमें ऐसा लग रहा है कि यार आई कांट स्पीक दोज वर्ड्स, तो इन द ओल्ड गुड ओल्ड टाइम प्रॉपर उसकी एक मीटिंग की जाती थी. समझो राइटर के वर्ड डायरेक्टर को चेंज करने हैं तो डायरेक्टर को बाकायदा प्रूव करना पड़ता था व्हाई आई वांट टू चेंज दीज वर्ड्स एंड व्हाट विल हैपन इफ आई यूज दीज वर्ड और इफ आई रिप्लेस दोज वर्ड्स विद दीज सेंटेंसेस, व्हाट विल हैपन एंड व्हाट विल बी द इंपैक्ट. एंड इफ द राइटर सेटिस्फाइड देन ओनली ही एक्सेप्टेड द चेंज. द सेम थिंग हैपन विद एनी वन. इफ द इफ एन एक्टर वॉन्ट्स टू चेंज समथिंग फर्स्टली ही हैज टू टेक द परमिशन ऑफ डायरेक्टर एंड देन राइटर, अदरवाइज ही वॉन्ट चेंज, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मैट ऑफ सेटिंग अ ड्रामा. हमारे साथ भी ऐसे बहुत बार होता है जब राइटर कहता है नहीं यही बोलना है, तो किस तरीके से भी बोल, वी वोंट चैलेंज हिम. अदरवाइज वी हैव टू प्रूव व्हाई आई वांट टू चेंज दिस. तो ये यहां पे भी है, डू नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. यहां की इंफॉर्मेशन आप चेंज मत करो. यहां पे आप डिस्कशन नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ये ऐसा लगा और ये मुझे ऐसा लगा कि ये अच्छा लगेगा तो इसलिए मैंने लिखा. नो, डोंट डू दिस. क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑफ नोट मेकिंग. अभी यहां पर मैंने एक पैराग्राफ दिया है, ओके? इस पैराग्राफ को मैं पढ़ने के लिए आपको 2 मिनट का समय दूंगा. उस 2 मिनट में आप सब ये पैराग्राफ पढ़ोगे और उसके ऊपर हम एक नोट मेकिंग जो मैंने पहले ही यहां से करके लाया है वो मैं आपको दिखाऊंगा. लेकिन उससे पहले आप ये नोट मेकिंग पढ़ो, ये एक पैराग्राफ दिया है वो पढ़ो और उसके ऊपर आपको जैसे बन सकता है वैसा एक नोट मेकिंग आपके नोटबुक में करो. यू विल हैव टाइम ऑफ 5 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, सो
रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक सुटेबल नोट्स. क्या है इसमें? मोस्ट ट्विन्स आर फ्रैटर्नल विच मीन्स दे डेवलप फ्रॉम टू सेपरेट एग्स विच वेयर फर्टिलाइज एट द सेम टाइम. सच ट्विन्स आर नो मोर सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देन आर एनी अदर ब्रदर्स और सिस्टर्स. अबाउट 1/3 ऑफ द ट्विन्स आर आइडेंशियल्स विच मीन्स दे डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज एग एंड यूजली शेयर अ कॉमन प्लेसेंट्रा. अनलाइक फ्रैटर्नल ट्विन्स देयर जेनेटिक मेकअप इज आइडेंशियल सो दे हैव वेरी सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर ऑलवेज द सेम सेक्स. ओके, तो अभी सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? इतना सारा सीखने के बाद ट्राई टू फाइंड आउट द हेडिंग फॉर दिस नोट मेकिंग. तो इसका हेडिंग क्या आएगा? तो इसका हेडिंग आएगा ट्विन्स, करेक्ट. उसके बाद इसमें अभी क्या सब हेडिंग आएगा, कैसे हमें पता चलेगा ट्विन्स के नीचे सब हेडिंग क्या आएगा? तो पहला आएगा और दूसरा आएगा. कैसे? क्योंकि ट्विन्स के बारे में यह पूरा पैराग्राफ है, इसके दो टाइप है, पहला है फ्रैटर्नल, दूसरा है आइडेंशियल. ये कॉमन फर्स्ट लुक में हमें पता चलता है. इतना समझ में आया? जैसे फर्स्ट रीडिंग में मुझे ये तीन चीजें समझ में आई, जैसे कि ये सारा पैराग्राफ ट्विन्स के ऊपर है तो इसका हेडिंग होगा ट्विन्स. उसमें दो टाइप्स है, फ्रैटर्नल एंड आइडेंशियल, तो ये हो गए उसके दो सब हेडिंग्स. अभी इसमें और क्या लिखेंगे तो हमें ये फिर से पढ़ना पड़ेगा. जैसे हमने कहा था रीड एंड री रीड, एटलीस्ट रीड ट्वाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट्स इन द पैसेज और हाउ वी कैन मेक नोट्स. देखो आगे क्या है इसके. जैसे मैंने बना के लाया है, वो फूड शोज होते हैं ना, वो जाते हैं किचन में और ये डालो. अभी इसको एक घंटे के लिए रख दो और वो फटक से नीचे से दूसरा लाता है. ये मैंने पहले घर से लाया था और इसका अभी एक घंटे के बाद ऐसा होगा. तो ये है, ये मैंने पहले ही घर से लाया था, अब 5 मिनट के बाद ये ऐसा दिखेगा. कैसा? देखो. सो ट्विन्स इज द हेडिंग. फ्रैटर्नल ट्विन्स, आइडेंशियल ट्विन्स आर टू सब हेडिंग्स. ओके, इसे फिलहाल छोड़ दो. हाँ, डेवलप फ्रॉम टू सेपरेट एग्स. फ्रैटर्नल ऑफ एग्स हैपन्स एट अ सेम. ये क्या है? ये है. किधर गया? फर्टिलाइज का क्या लिखा हमने? सेम टाइम. नॉट सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी यहां पे क्या किया? इनके एब्रीवेशन इस्तेमाल किए. ओके, क्लियर. आइडेंटिशियल ट्विन्स, ये दूसरा सब हेडिंग हो गया. डेवलप फ्रॉम वन एग, शेयर कॉमन प्लेसेंट्रा, सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, अगर हमें उसे टेबल में लिखना होता, कंपैरिजन करना होता, तो यहां पे फ्रेटर्नल ट्विन्स, यहां पे आइडेंटिशियल ट्विन्स. सेम थिंग नोट मेकिंग में ही हम लिख सकते थे, क्योंकि टेबल या कंपैरिजन टेबल, ये इट्स अ टाइप ऑफ नोट मेकिंग. सो वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ ऑल्सो. लेकिन ये हमने किस तरीके का नोट मेकिंग किया? लीनियर टाइप ऑफ नोट मेकिंग. क्लियर, समझ में आया आप सबको? ओके, ये बहुत ही गंदा कर दिया मैंने, ये सब निकाल देता हूं मैं. तो और जैसे मैंने कहा था, जैसे हमने पहले कहा था कि लिखने हैं हमें, ये क्या है? ये है. 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 यही इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे. आई एम सॉरी, 2-3 और क्या था? डेवलप कहीं, हाँ यहां पे था, वो मैंने पूरा लिख दिया. एनीवेज, तो ये चार चीजें हैं वो इस तरीके से लिखी गई है. एकदम छोटा सा लीनियर टाइप ऑफ नोट मेकिंग हमने लिखा. इसी को हम कंपैरिजन में भी डाल सकते हैं, या इसी को हम ट्री डायग्राम में भी लिख सकते हैं.
फ्रैटर्नल आइडेंशियल, इसमें एक दो तीन, एक दो तीन, इसको हम टेबल में भी लिख सकते हैं कंपैरिजन में। यहां पे इसको नाम दिया ऊपर ट्विंस, फ्रैटर्नल आइडेंशियल, एक दो तीन, एक दो तीन। यू कैन राइट एनीथिंग लाइक दिस, क्लियर। तो ये हो गया एक एग्जांपल हमारा नोट मेकिंग का, और यहां पे आज का हमारा नोट मेकिंग का एग्जांपल के साथ ये जो पूरा ब्यौरा है नोट मेकिंग का, हमारा ये जो चैप्टर है ये यहां पे हम खत्म करने वाले हैं। अभी एग्जांपल्स है उसे हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, यस आई नो आई एम लेट वन वीक, लेकिन आई हैव नो चॉइस बिकॉज आई डिडंट गेट एनी प्रॉपर पर्सन फॉर दैट, बट आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इट एंड आई एल श्योर आई एल गिव यू द नोट्स विद इन अ वीक। आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टू चैप्टर्स, आई एम श्योर अबाउट इट, डोंट वरी। सो आपको वो जरूर मिलेंगे, पहले दो चैप्टर्स के तो 100% मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये नोट मेकिंग का जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अब तक हमने टोटल कुल मिला के 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। दिस इज आवर 5th चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 था कम्युनिकेशन, दूसरा था सेंटेंसेस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज द वॉइस, तीसरा था वोकैबुलरी, चौथा था चैप्टर नंबर 4 कौन सा था हमारा, वो ही मेरे ख्याल से वोकैबुलरी का था। तो ये सारे चैप्टर्स हमने खत्म किए हैं, और आगे हम और एक नया चैप्टर कल से शुरू करेंगे जो और आगे हमें ले जाएगा इसमें ही। अब इसके आगे के जो सारे चैप्टर्स हैं हमारे, वो सारे चैप्टर्स रिगार्डिंग टू राइटिंग स्किल है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपका काम है, मतलब जितना हम पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे उतना ही वो हमें आसान होगा लिखने में या समझने में, इसीलिए इसके आगे आपका काम बढ़ने वाला है। वैसे इससे पहले भी था लेकिन इसके आगे वो ज्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि राइटिंग स्किल एक ऐसी बात है जो स्किल है। यहां पे फॉर्मूलाज है, राइटिंग के लिए कोई फॉर्मूलाज नहीं है, वो स्किल ही है, इसीलिए उसे स्किल कहा जाता है। मतलब बात करना ये स्किल है, लिखना ये भी स्किल है, पढ़ना ये भी स्किल है, अच्छी तरीके से पढ़ते आना ये स्किल है। पढ़ते तो हम फ्रेटर्नल ट्विंस डेवलप फ्रॉम 2 सेपरेट एग्स, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स हैपन्स एट सेम टाइम, दिस इज नॉट रीडिंग, वो एक स्किल है। तो आगे आपका काम ज्यादा है, और वो किस तरीके से है मैं बताऊंगा आपको, ओके। अभी क्या करना है हमें, अभी हमें थोड़ा सा रिवीजन करना है हमारे जो सारे पार्ट्स हुए हैं उसमें से। आई हैव अ थिंग फॉर यू, यस। इसके बारे में हमने बात की थी बहुत ही बिगिनिंग में, यस ये नहीं होगा। सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे मैंने ये शुरुआत में भी दिखाया था आपको, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेंक्शन। और उस समय हमने ये एक एक्टिविटी सॉल्व की थी, जैसे यहां पे थी टॉम वेंट टू मार्केट टू बाय बुक्स। अभी यहां पे क्या करना है, टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज यू हैव टू आइडेंटिफाई द नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेंक्शन इन द गिवन सेंटेंस। टॉम वेंट टू मार्केट टू बाय बुक्स, व्हाट इज बुक, बुक क्या होता है, यहां पे बुक नाउन है। ही वेंट टू द मार्केट, बट क्या है, इंटरजेंक्शन है। आई लाइक वर्ब है, हिम क्या है, प्रोनाउन है। अ स्मार्ट गर्ल वॉज डांसिंग क्विकली, क्विकली क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि वो डांसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है।
शी क्या है? प्रोनाउन है. वेन ही वॉज सिटिंग, सिटिंग क्या है? वर्ब है. यू प्रोनाउन है. रिच एडजेक्टिव है. हुरा ये क्या है? इसे क्या कहते हैं हम? देखो इंटरजेंशन, वर्ड और साउंड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस. ओ सॉरी, बट को मैंने इंटरजेंशन बताया ना, आई एम सॉरी, इट्स अ कंजंक्शन. अंडर ये क्या है? प्रीपोजिशन है. तो हर एक का एक सेंटेंस यहां पे आया है. अभी आपको क्या करना है, मैंने ये क्यों ओपन किया ये भी मैं आपको बताता हूं. व्हाई आई ओपन दिस, ओके, व्हाई आई ओपन दैट स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू. आप जब भी अब इसके आगे कभी भी जब आप सेंटेंसेस लिखोगे तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें इसमें क्या क्या लिखना है, मतलब हमें क्या क्या समझना है लिखते समय. जैसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, या फिर कंजंक्शन क्या है, इंटरजेंशन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए. क्योंकि जब कभी भी हम इसको, हमारे दिमाग को आदत लग जाएगी. दूसरी बात, हमने और एक चीज सीखी थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, जब हमने चेंज द वॉइस सीखा था. ये हमें दिमाग को समझना चाहिए हमारे, इसकी आदत लग जानी चाहिए हमारे दिमाग को कि ये क्या है. हर एक सेंटेंसेस जब हम लिखेंगे तो हमें इन चीजों के बारे में समझना बहुत जरूरी है, याद रहना चाहिए. हमने एक चौथा टॉपिक पढ़ा था पैसेजेस का, कॉम्प्रीहेंशन कैसे करते हैं, कॉम्प्रीहेंशनिंग पैसेज कैसे करते हैं, उसकी क्या आइडियाज है, ये भी हमने फोर्थ चैप्टर में सीखी थी. वो बहुत जल्दी खत्म हो गया हमारा क्योंकि वो बड़ा आसान था. तो ये सारा हमें समझना चाहिए. दूसरी एक बात, ट्राई टू राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, नॉट लॉन्ग सेंटेंसेस. ये मैंने सेंटेंसेस के समय बताया था आपको. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस मत बनाओ. आपको, आप मुझे भी जब सुनते हो, मैं बात करते समय शायद बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाता हूं, लेकिन व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग मैं बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखता हूं. सपोज आई वॉन्ट टू राइट समथिंग लाइक नोट्स ट्विंस, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि या मुझे किसके बारे में लिखना है, समझो वॉटर के बारे में लिखना है. Water is life. It is necessary for us. Everybody needs water. कुछ बच्चे क्या करते हैं? It is said that water is life. One cannot live without water. So we must take care while using water. ये गलत नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस कितना बड़ा हो गया, जरूरी है? इसके बजाय इसको ऑप्शन लिख सकते हैं हम, जैसे मैंने पहले बताया, वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर, वी मस्ट टेक केयर व्हाइल यूजिंग वाटर. अलग अलग लिखना ये बहुत जरूरी होता है, इससे आसानी होती है हमेशा सामने वाले को भी और हमें भी समझने में कि हम क्या लिख रहे हैं. इसी के बारे में हमने ये सब नोट मेकिंग और समरी में, समराइजेशन में अभी सीखा. ये समझ लो तभी आपको अच्छी तरीके से लिखना आएगा. जो भी हमारे पहले 5 चैप्टर हुए हैं उन सब का
एक रिवीजन हम हो सके तो कर लेंगे, जिसमें अलग अलग चीजें होंगी, सिर्फ उसका उसका एक पूरा नोट मेकिंग मैं करूंगा। व्हाट इज कम्युनिकेशन, उसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इस तरीके से हम कल बात करेंगे और फिर आगे जाएंगे। अदरवाइज आगे का पता है, पीछे का सब भूल गए, ऐसा होगा, है ना। पुढ़च पाठ मागच सपाट, बचपन में बोलते थे ना हम स्कूल में, इस तरीके से वो होगा, तो ऐसा मत करो। इसलिए कल का हम ये एक छोटा सा रिवीजन लेक्चर करेंगे सबका। ओके, सो कल मिलते हैं इसी जगह पे, इसी समय, इसी आदमी के साथ। तब तक के लिए अच्छा, बाय बाय, टाटा, ओके, गुड नाइट, सी यू, सायोनारा, शब खैर।